जीवन के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए नर और नारी दोनों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस पहिए में हवा और रबड़ की तरह हैं। इनमें से यदि कोई भी कम हो तो पहिए की रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन सदियों से रबड़, यानी पुरुष ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं ली, या दिल की गहराइयों से मानने से शायद उसने इनकार किया है। शायद ये हमारी सदियों पुरानी सभ्यता का प्रतिबिंब हो। लेकिन बदलते समय के साथ बिंब की परछाई भी बदलती है, और समझदार पुरुष वही होता है जो इस बदलाव की नस को पहचाने। समझदार स्त्री वही होती है जो इस बदलाव के साथ अपने आप को भी बदले। स्त्री को जहां ममता, करुणा, वात्सल्य आदि से संवारा गया है, वहीं उसे शक्ति के रूप में पूजा भी गया है। जरूरत है इस शक्ति के निर्माण कार्य में लगाने की, जरूरत है इस शक्ति को पहचानने की, जरूरत है इस शक्ति को बाहर ले आने की, जरूरत है स्त्री शक्ति की। ये क्या मास्टर जी, आपने अभी तक दूध नहीं पिया? वाह, बीबी का प्यार हो जब इतना मेहरबान, तो क्यों ना बने मियां पहलवान। ओफो मास्टर जी, आप और आपकी बेतुकी शायरी। हमारी शायरी अब बेतुकी होने लगी है? और नहीं तो क्या, आप जब हर बात पर शायरी करने की ठान लेते हैं तो वह बेतुकी हो ही जाती है। क्या बात है भाई, आज आपके तेवर क्यों ज्यादा ही तीखे हैं? अब तो केवल तेवर ही तीखे हैं, कल से दूध भी तीखा होगा। क्यों क्यों, कल से दूध में मिर्च मिलाकर पिलाने का इरादा तो नहीं? मिर्च मैं नहीं मिला रही हूँ जनाब, वो दूध वाला ही मिला रहा है। मिर्च दूध वाला, मैं कुछ समझा नहीं। कल से दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ रही है। 2 रुपए? अरे अभी पिछले महीने तो उसे 3 रुपए बढ़ाया था उसने। हाँ, अब बताइए तीखा है या नहीं। इस तरह यदि कीमतें बढ़ती रहीं तो हमारी तो सारी भावी योजनाओं का जन्म से पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा। कौन सी योजनाएं? अरे भूल गई, कल हम 2 से 3 हो जाएंगे। हमारी अपनी बचत की योजना है, आने वाले नन्हे मुन्नों की बचत की योजना है। हाँ, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, महंगाई कभी रुकती नहीं, हमारी जरूरतें भी बढ़ती रहती हैं। सच अनिता, हमें अपने खर्चों और आमदनी को फिर से तराजू में रखकर योजना बनानी चाहिए। तराजू में रखने की कोई जरूरत नहीं है, खर्च और महंगाई बढ़ रहे हैं तो हमें भी अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। अरे भगवान, मैं ठहरा एक सीधा साधा मामूली स्कूल का मास्टर, मेरी आमदनी मेरी तनख्वाह है, उसे बढ़ाने के लिए या तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी या डाका डालना पड़ेगा। आप भी मास्टर जी हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। अरे अरे, रूठ कर जाती हो कहाँ, बेचारा पति ठहरा है जब यहाँ। अनीता? अरे सरिता, यूं अचानक? हाँ अचानक ही सोचा कि बाजार जाके कुछ खरीदी कर रहा हूँ, अचानक ही सोचा कि क्यों ना तुमसे मिलती चलूं। दैया रे दैया, ये कौन बोल रहा है? क्या मैं उसी सरिता से बात कर रही हूँ जो कभी नीरस और शांत हुआ करती थी? दैया रे दैया, तुम उसी सरिता से बात कर रही हो जिसे लोग कभी गूंगी सरिता के नाम से चिढ़ाया करते थे। पर तू इतनी बदल कैसे गई? मैं नहीं बदली अनीता, मेरा आत्मविश्वास बदला है। आत्मविश्वास? ओई माँ, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। हाँ अनीता, जब से मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ तब से मैंने अपने आप में एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह अनुभव किया है। अपने पैरों पर खड़ी हो गई? कहीं नौकरी कर रही हो क्या? अरे मुझ जान पर को कौन नौकरी देगा, जब पढ़ी लिखी होकर तुम्हें ही इस गांव में कोई नौकरी नहीं मिल सकती तो मुझे कहाँ से नौकरी मिलेगी? तो फिर? बस अपने घर बैठे ही मुझे एक रोजगार मिल गया। घर बैठे? वो कैसे? एक दिन हमारे घर एक बैंक बाबू आए, उन्होंने मेरी चित्रकला देखी और उन्हें बहुत पसंद आया। फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरे पति से कहा कि वे उसे खरीदना चाहते हैं। मेरे पति ने कहा कि साहब, ऐसे चित्र तो मेरी पत्नी शौक के तौर बनाती है। फिर बोलो ना, फिर? बताती हूँ। फिर बैंक बाबू ने कहा कि यदि इस शौक से घर में कुछ पैसे आते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, इसमें बुराई ही क्या है,
टैंक बाबू ने बताया कि ऐसे ग्रामीण चित्र की कीमत शहर में बहुत ज्यादा होती है। इन्हें शहर ले जाकर बेचते क्यों नहीं? लेकिन शहर में इन्हें बेचेंगे कहाँ? चौराहे पर ठहर कर चिल्ला तो नहीं सकते ना कि हे बाय चित्र ले लो, चित्र ले लो। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। शहर वाले खुद गांव आकर मेरे चित्र खरीदते हैं। क्या? शहर वाले खुद गांव आते हैं? हाँ, बैंक बाबू ने शहर के एक दुकानदार से हमारा परिचय करवाया। वह महीने में एक बार आकर मेरे 3-4 चित्र खरीद ले जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यानी घर बैठे घर का सारा कामकाज भी संभाल सकती हो और परिवार की आमदनी में इजाफा भी कर सकती हो। हाँ बिल्कुल, इससे मेरे परिवार की जिम्मेदारियों में भी कोई उल्टा असर नहीं पड़ता और मेरा शौक भी पूरा हो जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ सरिता, काश मैं भी तुम्हारी तरह चित्र बना पाती। चित्र नहीं बना पाती तो क्या हुआ, हम में से हर स्त्री में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। फर्क केवल इतना है कि मुझे अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करने का मौका मिला और मैंने इसे बेकार नहीं जाने दिया। इसलिए तो मैं इतनी हैरान हो गई कि शांत और नीरज सरिता इतनी बातूनी और चंचल कैसे हो गई। मैंने कहा ना अनीता कि मैंने अपने आप को नहीं बदला, मेरे आत्मविश्वास ने मुझ में यह बदलाव लाया है। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने घर के सारे कामकाज किसी भी अन्य स्त्री की तरह संभालती हूँ, अपने घर के खर्च और बचत का भार अपने पति के साथ मिलकर संभालती हूँ। अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तुम बड़ी खुश होगी ना सरिता। खुश? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पर और मेरे परिवार वालों की नजरों में मेरे लिए अब प्यार के साथ साथ अभिमान भी है। अरे मास्टर जी, आप कब आए? बस अभी अभी पहुंचा हूं। मैं रसोई में थी इसलिए शायद पता नहीं लगा। और लगता भी कैसे, आज ना तो आपने आवाज दी और ना ही आपकी शायरी सुनाई दी। आपके लिए क्या लाऊं, ठंडा या गरम? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, रहने दो। क्या बात है मास्टर जी, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ अनीता, कुछ परेशानी सताई जा रही है। कौन सी परेशानी? रहने दो, तुम नहीं समझोगी, मैं संभाल लूंगा। क्यों नहीं समझूंगी, आप बताइए तो सही, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अरे तुम क्या मदद कर सकती हो अनीता, तुम तो एक औरत हो ना। क्यों, औरत किसी की मदद नहीं कर सकती है क्या? कर सकती है, लेकिन मेरी परेशानी घरेलू नहीं है ना। देखिए मास्टर जी, परेशानी जब घर आ जाती है तो वो घरेलू हो जाती है। हाँ। अरे अनीता, मेरी परेशानी रुपयों से संबंधित है, इसमें तुम क्या कर सकती हो? जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं तो क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ। चौधरी रास्ते में मिला था। चौधरी? कौन, साहूकार चौधरी? हाँ वही, इस महीने के सूद की किस्त मांग रहा था। तो क्या इस महीने की किस्त नहीं भरी आपने? अरे कहाँ से भरता, किस्त के पैसों से ही तो चाचा जी के बेटे की शादी में तोहफा खरीदा था। ये सब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे भगवान तुम्हें क्यों बताता, पैसे का मामला है, परेशानी मेरी है। तो आपको परेशान देखकर क्या मैं परेशान नहीं होती? और पैसों का मामला है तो मैं क्यों नहीं जान सकती? तुम जानकर करोगी क्या? शायद आपको कोई राह दिखा सकूं? राह मैंने ढूंढ लिया है। कौन सी राह? चौधरी से ही कुछ और पैसे ले लूंगा और उसकी किस्त भर दूंगा बस। वाह वाह, क्या राह है, वाह। पहले उधार की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और अब दूसरे की सोच रहे हैं। पहले उधार की किस्त दूसरे से भरिए, दूसरे की तीसरे से और तीसरे की चौथे से। वाह मास्टर जी, इस राह पर यदि आप चलेंगे तो बहुत जल्द आपकी सारी तनख्वाह चौधरी के मकान की राह पर ही खत्म हो जाएगी। हाँ। हाय, ये कैसा सुनसान अंधकार है, स्त्री का मजाक परेशान पुरुष का उपहार है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मास्टर जी, आपको गलत राह पर चलने से रोक रही हूँ। तो ठीक है, मैं उस राह पर नहीं चलता, अब आप मुझे एक अच्छी राह दिखाने का कष्ट करेंगी? क्यों ना
मैं भी कहीं नौकरी करूं या कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करूं। तुम नौकरी करोगी, व्यापार करोगी, औरत पैसे कमाएगी। वाह रे जगन मास्टर वाह, तुमने तो वही बात की जो तुम्हारे बुजुर्गों ने की। औरत नौकरी नहीं कर सकती, औरत पैसा नहीं कमा सकती, उसे केवल घर के काम काज करने चाहिए और बच्चे जनने चाहिए। तुम तो जगन पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों जैसी बातें कर गए, वाह। लेकिन अनीता ऐसा क्यों सोचे? क्या जगन की परेशानी उसकी परेशानी नहीं? क्या उसकी परेशानी दूर करना उसका फर्ज नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं। अरे वाह क्या खुशबू है, क्या पका रही हो अनीता? पापड़ तल रही हूँ ललिता, आओ बैठो। पापड़? लेकिन इन पापड़ों में से इतनी खुशबू कैसे आ रही है? अरे कुछ नहीं ललिता, मैंने कुछ मसाले पापड़ों के साथ बेल लिए थे, उन्हीं की खुशबू है। ला देखू तो, जरा स्वाद चखना चाहती हूँ। मुंह में से लार टपक रही है। अरे तो ले ना, तकल्लुफ क्यों कर रही है। अरे वाह आह क्या स्वाद है, वाह। तुम्हें पसंद आया? पसंद? अरे अनीता ऐसे पापड़ तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए। चल हट, छोड़, क्यों मजाक उड़ा रही है? अरे मैं सच कह रही हूँ अनीता, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे हैं। अगर तू इन्हें बेचने निकलेगी ना तो देख लेना, सूरज निकलने से लेके दिन ढलने तक लोगों की लाइन तेरे घर के सामने रहेगी। बेचने? मैं इन्हें बेच सकती हूँ? ये पापड़ बिक सकते हैं? किस सोच में पड़ गई अनीता? ललिता तुझे पूरा विश्वास है कि ये पापड़ बिक सकते हैं? विश्वास ही नहीं, अखंड विश्वास है अनीता। पर तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि यदि इन्हें एक बड़े पैमाने पर बनाया जाए तो कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। अरे तूने तो लाख रुपए की बात कही अनीता, वाह। लेकिन बड़े पैमाने पर पापड़ बनाने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है और वो मेरे पास नहीं है। देख अनीता, अगर तू इसी तरह से पापड़ बनाने का वादा करती है तो पहली पूंजी लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। तू सच कह रही है? बिल्कुल, लेकिन हाँ मुनाफे में से मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए। हाँ चल हट बदमाश, वो तो बिना पूछे भी तुझे मिल जाएंगे। मजाक करती है? लेकिन ललिता हम इन्हें बेचेंगे कहाँ? तू उसकी चिंता मत कर, ग्रामीण विकास संस्था के पास हम कल ही चलते हैं। अरे हाँ ग्रामीण विकास संस्था तो है ही, हम कल ही कुछ महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और वहाँ चलकर अर्जी देते हैं। हाँ अनीता कल ही काम शुरू कर देते हैं, तू तो पढ़ी लिखी है, सारे कागज वगैरह तू ही देखना। लेकिन हमारे पुरुषों को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ अरे कैसे पता चलेगा, वे अपने काम पर निकल जाएंगे और हम उसके बाद घर का काम काज निपटा कर अपने काम पर निकल पड़ते हैं। साथी चल जरा कमाल कर देंगे हम, तुम जो मिले तो दुनिया बदल देंगे। साथी चल जरा कमाल कर देंगे हम, तुम जो मिले तो दुनिया बदल देंगे। साथी चल जरा कमाल कर देंगे। कोई भी सफर शुरू होता है मगर पहले कदम से, छोटे हौसलों से ख्वाहिशों से खुद के दम से, कदम से कदम मिलाए नई राह पे चल देंगे। साथी चल जरा कमाल कर देंगे हम, तुम जो मिले तो दुनिया बदल देंगे। साथी
तेरा कमाल कर देंगे हम तुम जो मिले तो दुनिया बदल देंगे साथी चल जरा कमाल कर देंगे हम तुम जो मिले तो दुनिया बदल देंगे साथी चल जरा कमाल कर देंगे साथी चल जरा कमाल कर देंगे। आओ मास्टर जी, आओ बैठो। किस्त ले आए? किस्त तो नहीं ला पाया चौधरी साहब, लेकिन आपसे एक विनती करने आया हूँ। देखो मास्टर जी, अगर तुम सूद की किस्त और असल भरने की तारीख बढ़ाने की विनती करने आए हो तो मेरा जवाब ना है। नहीं चौधरी साहब, मैं तारीख बढ़ाने की विनती लेकर नहीं आया हूँ। तो जरूर स्कूल के लिए कोई चंदा मांगने आए होंगे। इसके लिए भी मेरा जवाब ना ही है। मैं किसी चंदे के लिए भी नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हो? मुझे अरे बोल भी दो मास्टर जी, हिचकिचाते क्यों हो? वो चौधरी साहब, बात दरअसल ये है कि क्या है? वो मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मास्टर, पहली उधार का असल तो असल, सूद की किस्त भी घुट घुट कर भरते हो और अब और उधार लेने आए हो। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा चौधरी साहब, बस इस बार थोड़े से और पैसे दे दीजिए। पैसे उधार देने से चौधरी कभी इनकार नहीं करता, बस अपना पहला उधार चुकता करो और दूसरा ले जाओ। मेरा यकीन कीजिए चौधरी साहब, मैं आपका उधार जल्दी ही चुकता कर दूंगा। देखो मास्टर जी, पैसे के मामले में चौधरी केवल अपने आप पर यकीन करता है, किसी कर्जदार पर नहीं। इसलिए अपना पहला कर्ज उतारो, फिर दूसरे की सोचेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए चौधरी साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पैसा चीज ही ऐसा है मास्टर कि उसकी सख्त जरूरत सबको होती है, जिसके पास नहीं है उसे भी और जिसके पास है उसे भी। पैसे की प्यास राजा और रंग की बराबर की होती है। मानता हूँ चौधरी साहब। मानते हो तो फिर इस महीने की किस्त और असल दोनों अगले महीने की 10 तारीख तक भर दीजिए, बस। किस्त और असल दोनों? बिल्कुल, मैं और ज्यादा समय नहीं दे सकता। लेकिन चौधरी साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और अगर 10 तारीख तक तुम्हारे पैसे नहीं मिले तो जमानत के तौर पर रखे तुम्हारे सामान पर मेरा अधिकार पक्का हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए चौधरी साहब, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो तब होगा जब तुम पैसे नहीं भरोगे। अब तुम जा सकते हो, मुझे और बहुत से काम निपटाने हैं। क्या हुआ जगन, पसीने छूट रहे हैं? अरे अजीब बात है, आज तुम्हारे मुंह से कोई शेर या शायरी नहीं निकल रही है। हो गई ना बोलती बन, हाँ? कैसे चुकाओगे चौधरी का कर्ज? घर का सामान जब्त हो जाएगा तो सोचा है क्या होगा? मेहनत की कमाई का एक एक सामान घर से चला जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, अनीता का क्या होगा? माँ, मैं जानती हूँ कि तुम और बाबूजी आज मेरे लिए बहुत खुश होंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण ही हूँ। आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, दुनियादारी सिखाई, इसी के बल पर तो आज तुम्हारी ये अनिता आत्मनिर्भर है। आ गए मास्टर जी, कहिए आज आपका दिन कैसा रहा? दिन तो जैसे तैसे गुजर ही जाता है अनिता, पर रातें कटती नहीं है। ओफो, मैंने आपसे कहा था ना कि फिक्र मत कीजिए, आप बेकार में चिंतित हुए जा रहे हैं। बेकार में? तुम्हें मेरी चिंता और फिक्र बेकार लगती है? वहाँ चौधरी अपने रकम के लिए धमकी पर धमकी दिया जा रहा है और तुम हो के तुम कहती हो कि ये फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। अरे मैं बर्बाद होने जा रहा हूँ और तुम मेरी आबादी के गीत सुनाना चाहते हो मुझे? ठीक ही तो कर रही हूँ, आपकी शायरी कुछ दिनों से बंद पड़ी है, तो क्यों ना मैं ही कुछ गीत सुनाऊँ? देखो नीता, ये मजाक की बात नहीं है। मजाक तो आप खुद अपना उड़ा रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? एक बात सिर्फ हाँ या ना में बताइए मास्टर जी। पूछो। आपको मुझ पर भरोसा है? हाँ है। तो फिर अपनी चिंता फिकर परेशानियों को किसी गहरी खाई में दफनाइए और हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ, वही खुरखुरे मसालेदार पापड़ों के साथ। वही स्त्री शक्ति पापड़? हाँ वही। दशहरा कब है मास्टर जी?
3 दिन बाद। इसका मतलब है कि 5वें दिन आपको चौधरी की रकम लौटानी है, सूद और असल दोनों। क्यों सुबह सुबह याद दिला रही हो? अब तो सारा दिन उसी चिंता के कुएं में फंसा रहूंगा। बिल्कुल नहीं, आज से आप उन चिंताओं से बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। क्यों, चौधरी के पैसे आज चुका दिए जाएंगे क्या? हाँ 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 हाँ। अनिता, तुम ठीक तो हो ना? अरे मास्टर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, चौधरी को अदा की जाने वाली रकम से ज्यादा ही है। मार आइए उसके मुंह पर और दोबारा अपनी शायरी से इस घर के माहौल को रसीला बनाइए। लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे? खुरखुरे, मसालेदार, स्त्री शक्ति, पापड़। पैसे, स्त्री शक्ति, पापड़? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझा देता हूँ मास्टर जी। आप कौन है? ये हमारे ग्रामीण विकास संस्था के अधिकारी हैं, राम नारायण साहब। ग्रामीण विकास संस्था? ग्राम पंचायत के पास जिसका दफ्तर है वही? जी हाँ वही। राम नारायण साहब, ये सब क्या है? यही स्त्री शक्ति है। सदियों से जो शक्ति घर की दीवारों के बीच सिमट कर रह गई थी, उसने बाहर निकलकर अपने जिम्मेदारियों को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। लेकिन मैं तो अब तक कुछ समझा ही नहीं। मैं समझाती हूँ। मैंने ललिता के साथ मिलकर गांव की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और हम लोग ग्रामीण विकास संस्था पहुँचे। वहाँ इन्होंने बताया कि ये सारी महिलाएं कुछ कर दिखाना चाहती हैं। परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर की आमदनी को बढ़ाने की जिम्मेदारियों को भी संभालना चाहती हैं। तो मैंने पूछा, आप लोगों के पास कोई प्रस्ताव है? तो हमने कहा है, पापड़। ये पापड़ बीच में कहाँ से आ रहा है? ये वही स्त्री शक्ति पापड़ है जिन्हें आप रोज बड़े चाव से खाते हैं। हमने कहा कि हम लोग पापड़ बड़े स्वादिष्ट और मजेदार बनाएंगे। फिर हमने कहा कि हम उन्हें बेचने में आपकी सहायता करेंगे। बस बात पक्की करने की लिखा पड़ी हो गई और घर बैठे बैठे काम शुरू हो गया। काम शुरू हुआ तो पैसे भी आने शुरू हुए। और ये जो पैसे अनीता जी ने आपको सौंपा है, वो पूरे अनीता जी के हिस्से के हैं। अरे वाह, इतने कम समय में इतना कुछ हुआ और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता, आपके सुबह की चाय आपको सही वक्त पर मिल जाती थी, आपका नाश्ता सही वक्त पर मिल जाता था, आपके दोपहर का भोजन आप तक पहुंच जाता था और शाम की चाय और रात का खाना भी सही वक्त पर मिल जाता था, वो भी स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर। तो फिर तुमने ये सब किया कब अनीता? अरे मास्टर जी, मैं सुबह 2 घंटे और दोपहर 1 घंटा पापड़ों में मसाले कूट कर बेल देती थी। दोपहर बाद ललिता जी आकर उन्हें सुखाने के लिए अपने घर ले जाती थी। वहाँ से दूसरी महिलाएं उन्हें गिनकर पैकेटों में बांध देती थी और वहाँ से हमारी संस्था के लोग उन्हें शहर ले जाकर बेच आते थे और फिर सारे मुनाफे को हम लोग अपने बीच बांट लेते थे। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल कर दिया अनीता तुमने। स्त्री कमाल ही होती है मास्टर जी, वो मदर टेरेसा भी बन सकती है, इंदिरा गांधी भी बन सकती है और जरूरत पड़े तो रानी लक्ष्मीबाई भी बन सकती है। हाँ, कहीं घर में कोई युद्ध छेड़ने का कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है ना? देखा स्त्री शक्ति का कमाल, स्त्री अगर ठान ले तो रास्ते का पत्थर ही क्या, जो पहाड़ पुरुषों से नहीं हटाए जाते उन्हें स्त्री शक्ति हवा के झोंके में ही उड़ा देती है। स्त्री अगर माँ, बहन, पत्नी और अनेकों रूपों को धारण कर सकती है तो निश्चित है उसमें इतनी शक्ति है कि वह अपने और अपने परिवार के मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में बराबर की हिस्सेदार बन सकती है।
बेचारी।